एक बहुत अच्छी लाइन आई है फिल्मी दुनिया की ओर से, और शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, फिल्मी दुनिया की ओर से बहुत अच्छी लाइन आती है कभी कभी, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों में रख दी है जान ले, बेहया बेकदर मान जा जितना कर मैं तेरे प्यार, मैं तेरे प्यार में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की को, इसीलिए मां की वंदना करते हैं, कौन अनभिज्ञ माता तेरे काम से, मौत भी कांप जाती तेरे नाम से, फिर कौन बचेगा, जब मौत कांप जाएगी तो बचेगा कौन, आ गया जो शरण, आ गया जो शरण ना रहा आ शरण, वो भले रंग को हो या कि राजा कोई, तेरी नजरों में कोई विषमता नहीं, इसीलिए मैया मैं तेरे तेज से डर न जाऊं कहीं, मां तुझे देख पाने कि क्षमता नहीं, एक बहुत अच्छी लाइन आई कि मुझे क्या पड़ी है कि मां को मनाए, सब मां की वंदना करते नहीं करेंगे वंदना तो क्या होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मां को मनाए, अरे मेरा तो ये हक है कि हम खुद लूट जाएं, यश वैभव ना चाहूं कोई राजमा, संसार में एक नाम है अमित भाई प्रधान जी, जिस नाम को किसी की आवश्यकता नहीं है, संसार में सबसे छोटा नाम है उसका नाम है माँ, जाओ चले जाओ इसके बाद इससे छोटा नाम ढूंढ के लाओ संसार में, एक अक्षर का नाम दूसरा लाओ ढूंढ के, फिर नाम मिलेगा नहीं, संसार में अगर एक अक्षर का सबसे छोटा नाम है तो उसका नाम है माँ, और वो माँ जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है, न श्री की न श्रीमती की न कुमारी की न देवी की, लगा लो अंदाजा बोल के देख लो, कोई कहता है कुमारी माँ, कोई कहता है हमारी श्रीमती माँ, कोई कहता है माँ देवी, कोई नहीं कहता है, इसीलिए माँ की वंदना करते हैं, एक अक्षर का नाम, और देवताओं की सभा में जिस पर मोहर लगाई गई थी उसका नाम है माँ, देवताओं ने सब सम्मति से स्वीकार नाम किया उसका नाम है माँ, इसीलिए वंदना की जाती है, कलाकार बताने का प्रयास करते नहीं है, कहा मैया यश वैभव ना चाहूं कोई राजमा, ना ही चाहूं मैं अपने सरताजमा, फिर क्या चाहिए, है यही आसमा, है यही आसमा कंठ में आ समा,
क्यों? दर बदर में गया, दर बदर में गया, दर बदर में गया, तेरे दर के सिवा और दर पे ये मन मेरा रमता नहीं। फिर मैया हम पूजा करने अगर आए तो कैसे आए? कैसे आए? जिसने जन्म दिया हो उसको हम क्या दें बताओ? क्या औकात है आदमी की जिसने जन्म दे दिया हो? इसीलिए कहा अंतिम शब्द में कि मैया नहीं साधन करूं मैं कैसे साधना, अपने बालक को मां तू ही साधना। कैसे? करुणा कर, करुणा कर, कर कमल सर पे धर। करुणा कर यानी दया का हाथ, और करुणा कर माने दया करके। करुणा कर, करुणा कर, कर कमल सर पे धर, तेरे आंचल में पल के विनोदी विमल, पाई तुझ सी कहीं और ममता नहीं। इसीलिए माँ की ममता और बाप की क्षमता, ध्यान रख लो जितने नए नए लड़के बैठे हैं, माँ की ममता और बाप की क्षमता, इसका आकलन हो नहीं सकता है। माँ की ममता कितना सहन कर सकती है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। बाप कितनी क्षमता से तुम्हारे गुनाह कबूल कर सकता है इसकी भी कोई आकलन नहीं है। इसीलिए माँ की ममता और बाप की क्षमता में कभी ठोकर मत लगाना, वरना जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी ठोकर खाते। बहुत अच्छी लाइन है। मैं तेरे तेज से डर न जाऊं कहीं, माँ तुझे देख पाने की डर न जाऊं कहीं, माँ तुझे देख पाने की क्षमता नहीं।